हेलो एवरीवन, आई आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रोटेट कमांड के बारे में। रोटेट कमांड से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। हमें देखना है कि किस तरह से हम लोग रोटेट कमांड को एक्सेस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो ये हमारा सातवां लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम लोग दो तीन वीडियोज तैयार करेंगे, उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, लाइक ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं ड्राइंग की वर्कबुक आपको दूंगा, आपको सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करना है ड्राइंग की वर्कबुक पे। नाउ लाइक अभी हम लोग पहले रोटेट कमांड को देखते हैं। रोटेट कमांड के लिए सपोज हमने एक लाइन लिया, इफ यू ऑन योर ऑर्थो लाइक दैट एंड देन टेक फ्रॉम योर सर्किल। नाउ सी दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, रिपीट सर्किल एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। सपोज यू वॉन्ट टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट एट 45 एंगल, जस्ट सेलेक्ट दिस एंड देन रोटेट कमांड एंड क्लिक ऑन बेस पॉइंट। व्हेन यू क्लिक ऑन बेस पॉइंट, सी क्या मांग रहा है आपसे, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। सपोज यू वांट टू गिव द एंगल इज 45, जस्ट क्लिक एंगल 45। नाउ सी यू कैन सी योर ऑब्जेक्ट इज रोटेट एट 45 एंगल, राइट। मैं कंट्रोल जेड से बैक आता हूँ। नाउ अगेन अब मैं फिर से इसको रोटेट करना चाहता हूँ, और लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ, तो बेस पॉइंट हमको इसको बनाना पड़ेगा। बेस पॉइंट जिसको बना लेंगे उसके सराउंड घूमते हैं ऑब्जेक्ट। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट पकड़ने के लिए पहले रोटेट कमांड लिया, फिर हम देखिए क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, तुरंत ही पूछ रहा हमसे क्या एंगल क्या देना चाहते हो। ओके, जस्ट क्लिक एंगल इज 45। सी इस तरीके से हम लोगों ने एंगल 45 दे दिया। देखिए इसका एक और आपको इसका एक और अच्छा फीचर दिखाता हूँ। सेलेक्ट करिए, उसके बाद रोटेट आर ओस की शॉर्ट की है। रोटेट कमांड लेके जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो और फिर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है कॉपी। व्हेन यू क्लिक ऑन कॉपी एंड गिव द एंगल सपोज 90 90, देन जस्ट एंटर। देखो क्या हो रहा है आपके सामने, एक मेन ऑब्जेक्ट तुम्हारा बना को बना है, उसके साथ ही साथ एक कॉपी ऑब्जेक्ट भी आपके सामने बन गया। ये यूज होता है रोटेट कमांड का, समझ आ गया होगा आपको। इधर से रोटेट कमांड पूरा का पूरा है। इसके बाद अभी जैसे हम लोग ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, तो ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग को इसके बाद एक कमांड की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है एक्सेल या कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड लेना है। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड लेने के बाद आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे या यहाँ पर देखेंगे, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेना है तो हॉरिजॉन्टल क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये लाइन इन्फाइनाइट तक चली जाएगी। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, देखिए ये लाइन इन्फाइनाइट तक है। फिर से हम कमांड को लेना, तो फिर से आप स्पेस बार को अगर यूज करेंगे कीबोर्ड में, स्पेस बार को यूज करेंगे तो फिर से वो कमांड आ जाएगी। और सपोज यू वांट वर्टिकल, नाउ सी इफ यू क्लिक हियर वर्टिकल लाइक दैट। ओके, मुझे फिर से कमांड लेना है, एक्सेल शॉर्ट की भी यूज कर सकते हो आप, एक्स एल जस्ट एंटर। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया, एंगल। सपोज यू वांट योर एंगल ऑन, यू वांट योर लाइन ऑन एंगल, इन दैट केस सपोज यू वांट द एंगल इज 80, जस्ट क्लिक 80 और एंटर कर। देखिए क्या हो रही है, 80 के एंगल पे ये आपको लाइन दे रहा है इस तरह से। और इसके बाद राइट क्लिक जिसे करेंगे कमांड क्लोज हो जाएगी। इसके बाद इसकी एक और फीचर, फिर से स्पेस बार दबा और यहाँ पर हमने देखा क्या क्या, बाईसेक्ट। बाईसेक्ट मीन्स दो लाइनों को बीच से डिवाइड करना। व्हेन यू क्लिक ऑन बाईसेक्ट एंड क्लिक ऑन मिड पॉइंट, देन क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन सेकंड लाइन, राइट क्लिक। देखिए क्या हो रहा है, मिड पॉइंट से कटने चला गया, तो इस तरह से मिड पॉइंट चला जाता है। इसके बाद फिर से हमने एक्सेल लिया। एक्सेल लेने के बाद यहाँ पे जैसे ऑफसेट कमांड लेंगे, देखिए ऑफसेट कमांड से क्या होगा, व्हेन यू क्लिक हियर, अब कितने का ऑफसेट करना है ये आपको डालना रहता है। ठीक है, सपोज हमने डाल दिया इसको 20, ये वैसे ही ऑफसेट है जैसे ऑफसेट में आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, ये नॉर्मल ऑफसेट बदला सकता है 90। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, रिलेशन बहुत ज्यादा इसलिए 90 आपको छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को किस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, एंड रोटेट कमांड को किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड बची है, बट उससे पहले हम लोग जा रहे हैं कुछ ड्राइंग पे काम करने के लिए, और ड्राइंग को बनाएंगे। और साथ ही साथ एक वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है वो आ रहा है रेक्टेंगुलर एरिया, पाथ एरिया और पोलर एरिया पर आ रहा है, तो इन एरियाज को भी हम लोग देखेंगे और ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स में ड्राइंग ही ड्राइंग बनाएंगे हम लोग। ओके ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट करो, और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे लाइक कुछ अगर पढ़ना है आपको इससे रिलेटेड, ऑटोकैड से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप यूनिक्स सिविल पे जाओ और unixsivil.com पे आपको लगभग लगभग सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।